जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जिस ट्रेन के बारे में जानेंगे वो है नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ट्रेन जानकारी रेगुलर ट्रेन जानकारी है। फिलहाल जो स्पेशल ट्रेनें बनकर चल रही है उसके समय में और इसके समय में काफ़ी परिवर्तन है, इसलिए वर्तमान में तमिलनाडु स्पेशल ट्रेन के बारे में आप रेलवे के टिकट काउंटर या वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ इस ट्रेन की पूरी जानकारी साझा करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द रेल नॉलेज। दोस्तों नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल तक जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस जिसका ट्रेन नंबर है 12622। दोस्तों अगर इस ट्रेन के बारे में हम बात करें तो इस ट्रेन को शुरू किया गया था 7 अगस्त 1976 को तब की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा। उस समय यह ट्रेन ट्राई वीकली ट्रेन थी, फिर 1982 में इसे रोजाना चलने वाली ट्रेन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यह ट्रेन उस समय की राजधानी के बाद दिल्ली से चेन्नई के बीच में दौड़ने वाली सबसे तेज गति की ट्रेन थी। यह ट्रेन 6 राज्यों से गुजरती हुई अपनी यात्रा को पूरा करती है, जिसमें दिल्ली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य शामिल हैं। यह ट्रेन नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल की कुल रेल यात्रा 2182 किलोमीटर को तय करती है लगभग 33 घंटे में। इस दौरान इस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड रहती है वो रहती है 67 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की। इस ट्रेन का संचालन करता है सौर्दर्न रेलवे और यह ट्रेन रोजाना चलने वाली डेली ट्रेन है जो हर दिन नई दिल्ली से रवाना होकर तीसरे दिन चेन्नई सेंट्रल में अपनी यात्रा को पूरा करती है। बीच में इस ट्रेन के 9 स्टेशन रहते हैं और यह एक सुपरफास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन के अगर हम कोचेस की बात करें तो इसमें LHB श्रेणी के कोच लगते हैं, जिसमें फर्स्ट AC, AC2 टायर, AC3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। और अगर हम दिल्ली से चेन्नई तक इन सभी कोचेस के किराए की बात करें तो इसमें एक कोच फर्स्ट AC कम AC2 टायर का लगता है, जिसका किराया रहता है 5,285 रुपये। दो कोच इसमें AC2 टायर के लगते हैं, जिसका किराया रहता है 3,625 रुपये। तीन कोच इसमें AC3 टायर के लगते हैं, जिसका किराया रहता है 2,560 रुपये। इन तीनों कैटेगरी के किराए में दोस्तों GST, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और बेस फेयर चार्जेस शामिल रहता है। 10 कोच इसमें स्लीपर क्लास के लगते हैं, जिसका किराया रहता है 820 रुपये। इसमें GST को छोड़कर बाकी के सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। और सामान्य क्लास के इसमें 2 कोच लगते हैं, जिसका किराया रहता है 440 रुपये। यह किराया दोस्तों नई दिल्ली से चेन्नई सेंट्रल तक का बताया गया है, लेकिन समय के साथ इसमें परिवर्तन भी हो सकता है, इसलिए यात्रा करने से पहले इस किराए को एक बार आप चेक अवश्य कर लें। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल की सुविधा मिल जाएगी। कैटरिंग संबंधित सुविधाओं में इस ट्रेन में पेंट्री कार का कोच रहता है, जो ट्रेन के अंदर ही भोजन संबंधित सभी सुविधाओं को प्रदान करता है, परंतु पेंट्री के भोजन का चार्ज अलग से देना होता है। इसके अलावा इसमें ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग भी मिल जाएगी। इस ट्रेन को पूरी यात्रा के दौरान इरोड या एराकोणम लोको शेड के WAP-4 या फिर रोयापुरम लोको शेड का WAP-7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के हम सभी स्टेशनों को और उनके टाइम टेबल को विस्तार से देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों रोजाना रात 10:30 पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 से रवाना होती है। और दोस्तों नई दिल्ली से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है उत्तर प्रदेश का आगरा कैंट। रात के 1 बजे यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद रात के 1:02 पर यह ट्रेन आगरा कैंट से भी रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है मध्य प्रदेश के ग्वालियर जंक्शन में रात के 2:32 पर, और 2:35 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है उत्तर प्रदेश के झांसी जंक्शन में सुबह के 4 बजे, और 4:10 पर यह ट्रेन
झांसी जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। झांसी तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 410 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है मध्य प्रदेश के भोपाल जंक्शन में सुबह के 7:45 पर, और करीबन 10 मिनट ठहरने के बाद सुबह के 7:55 पर यह ट्रेन भोपाल जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन सुबह के 9:40 पर, और 9:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के नागपुर जंक्शन में दोपहर के 2:05 पर, और 2:10 पर यह ट्रेन नागपुर जंक्शन से भी रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है बलहार शाह जंक्शन शाम के 5:35 पर, और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद शाम के 5:40 पर यह ट्रेन बलहार शाह जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1300 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है तेलंगाना के वारंगल में रात के 8:48 पर, और 8:50 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा जंक्शन में रात के 12:15 पर, और 12:20 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है, यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है तमिलनाडु का चेन्नई सेंट्रल। सुबह के 7:10 पर यह ट्रेन पहुंचती है चेन्नई सेंट्रल, और यहां तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 2182 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। तो दोस्तों ये थी नई दिल्ली से चेन्नई तक जाने वाली तमिलनाडु एक्सप्रेस की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।